Welcome my channel friends, ये 3D sketch आपको इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। ये मैंने मस्जिद अक्सा का 3D sketch किया है। टॉप साइड में कैमरे से आप देखेंगे ये थोड़ा लंबा यानी ओवल शेप में दिख रहा है, लेकिन जब हम डाउन पोजीशन में अपने कैमरे को लाते हैं तो इसका लुक 3D एंगल में आ जाता है। तो ये वन पॉइंट से हमें देखना पड़ेगा जो ये 3D हमारा लुक दिखे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं मुझे। उसमें मैं आपको पूरी मेज़रमेंट दूंगा और कौन सी पेंसिल यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, कैमरे को मैंने फ्रंट पोजिशन से डाउन पोजिशन में लिया है, जहाँ से मुझे 3D लुक दिखेगा। ये देखिए, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है साइड वाली 6.5 सेंटीमीटर और जो सेंटर की दो लाइंस हैं 7 सेंटीमीटर ली है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने नए वेंचर के बारे में भी बता दूं, मैंने होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसकी विंटेज थीम है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं द विंटेज आर्टिफैक्ट्स के नाम से, और इस वीडियो के एंडिंग में आप कैटलॉग ज़रूर देखें और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, जिसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। जो बाय करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। फ्रेंड्स, ये हैं परिस्मा के कलर पेंसिल्स।
फ्रेंड्स ये इसकी शेडो है। इसकी शेडो बनाने के बाद मैं पेपर कटर से इसकी ऊपर साइड वाला पोर्शन मैंने कटिंग कर लिया, इसका डॉम शेप निकाल लिया इसका, जिससे हमारा फुल एकदम 3D दिखे हमारा, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।